हल्द्वानी में 4 सितंबर से 3 सड़कों के चौड़ीकरण के कारण नैनीताल रोड पर रोडवेज स्टेशन से सिंधी चौराहे तक 20 दुकानों का पूर्ण ध्वस्तीकरण होना है, जिसमें 12 नगर निगम की 8 निजी लोगों की दुकानें हैं। वहीं एक मंदिर है और 3 सहकारी समिति की दुकानें, जिनको पहले ही हटा दिया गया है, और स्टेडियम, सरस मार्केट, महिला अस्पताल, बेस हॉस्पिटल का अतिक्रमण भी पहले ही हटा दिया गया है, यानी 25% काम किया जा चुका है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने आगामी 4 सितंबर से हल्द्वानी में होने जा रहे सड़क चौड़ीकरण के दौरान होने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान 101 में 20 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। 12 नगर निगम के किराए की वो 8 निजी दुकानें शामिल हैं। फ्री होल्ड एवं निजी स्वामित्व वाली 9 दुकानों को मुआवजा दिया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 101 दुकानों व अन्य परिसरों की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए थे। मामले में सभी प्रकरणों की सुनवाई व दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें से 12 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त होंगी। निजी स्वामित्व वाली 8 दुकानें भी पूरी तरह से ध्वस्त होंगी। 61 दुकानें आंशिक रूप से प्रभावित होंगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के तहत कालाढूंगी चौराहे पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। लोक निर्माण के स्तर से DPR तैयार किया जा चुका है। सड़क चौड़ीकरण के तहत 16.89 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है, जिससे शहर में 13 में से 11 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक जल्द काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए लोगों को दूसरी बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हल्द्वानी से अमित चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा हमारे हल्द्वानी नगर के विभिन्न चौराहों और जो भी बॉटल नेक्स हैं उनका चौड़ीकरण के लिए, ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सर्वेक्षण किया गया था। उसी के क्रम में हल्द्वानी के 13 चौराहों का और जो जितने भी बॉटल नेक्स हैं उनको सुधारीकरण की DPR लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई। उसमें शासन द्वारा लगभग 17 करोड़ रुपया इसमें स्वीकृत किया गया था। हल्द्वानी नगर के लगभग 12 चौराहों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है या पूर्ण होने की स्थिति में है, और उसका अब धरातल पर भी उसका असर आपको दिखता होगा। इसी क्रम में जो हमारा सबसे बड़ा बॉटल नेक है वो मंगल पड़ाव से और रोडवेज के बीच में है, जहाँ पर कई स्थानों पर सड़क मात्र 6 मीटर चौड़ी है, कहीं पर 7 मीटर है, जबकि जो हमारी अनुशंसाएँ हैं उसके हिसाब से मध्य बिंदु से करीब 20 मीटर डामर रोड होनी चाहिए। उसके अलावा 2-2 मीटर दोनों ओर फुटपाथ, इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ हैं, बिजली के खंभे हैं, पानी की लाइन है, नाली है, इसके लिए आरक्षित की गई है। इसी के क्रम में जो इस परिधि में लोग आते हैं, इनकी ये संरचनाएँ हैं, उनको नोटिस दिए गए थे। लगभग इसमें 4 बार सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसमें नोटिस निर्गत किया गया था। अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उसके द्वारा सभी जो भी दावे इसमें आए थे, प्रतिउत्तर आए थे, उनका परीक्षण किया गया। विभागीय अभिलेखों की भी जाँच की गई। उसके बाद ये पाया गया कि मात्र 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा वैध रूप से भूमि धारित की जाती है, जिनके पास फ्री होल्ड लैंड है या राजस्व विभाग के अनुसार उनके पास संक्रमणीय अधिकार की भूमि है। इसी क्रम में ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि इसमें जितना भी ये चौड़ीकरण में भाग लिया जा रहा है उसमें नगर निगम के 28 दुकानों में से मात्र 12 के लगभग दुकानें ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से आ रही हैं। निजी जो परिसंपत्तियाँ हैं उसमें से भी 7 से 8 दुकानें ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से आ रही हैं। तो अन्य जो भी इसमें भवन बने हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उसका केवल और केवल आंशिक भाग लिया जा रहा है। इससे संबंधित व्यक्तियों की आजीविका पर, उनके जीवन यापन पर, व्यापार पर ऐसा कोई बृहद प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सामान्य मरम्मत सुधारीकरण के बाद वो अपना व्यवसाय उसमें चला सकते हैं। व्यापक जनहित में, शहर के हित में, और चूँकि हल्द्वानी कुमाऊँ का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, औद्योगिक एक तरह से आर्थिक रूप से भी ये केंद्र है, इसको देखते हुए सड़क चौड़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है। सर, कुल कितनी दुकानें जो अधिग्रहण की जद में आ रही हैं, संख्या क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर हम पूर्ण रूप से प्रभात की बात करें तो मात्र नगर निगम की 12 दुकानें हैं, इसके अलावा निजी व्यक्तियों की लगभग 8 दुकानें इसमें आ रही हैं। बाकी सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनका केवल आंशिक भाग इसमें जद में आ रहा है।